का प्रतीक ये जो दिन है हाइफा विक्ट्री डे, भारत की सेना, भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में जो इंपीरियल फोर्सेस के साथ मिलकर तकरीबन 1.5 लाख के करीब सैनिक जो हैं वो उस युद्ध में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और कहा जाता है इतिहास में कि तकरीबन 900 सैनिक जो हैं उन्होंने शहादत दी थी। हाइफा पोर्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सिटी थी जो आज का इसराइल है वर्तमान का वहां का, तो 400 साल का जो तुर्कियों का जो राज था वहां पे ऑटोमन एम्पायर का, उससे लिबरेट कराया था हमारे सैनिकों ने। कहा जाता है कि भारत की सेना ऐसे सैनिक थे जिन्होंने भालों से घोड़ों पे जो इंडियन हमारी जो सिस्टम होता था उससे लड़ाई लड़ी, तोपों का मुकाबला किया और इसराइल को आजाद करवाया। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि हाइफा विक्ट्री डे के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आर के शर्मा का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो आज के मेहमान एसोसिएट है। उसके साथ ही मुख्य अतिथि डॉक्टर सुदर्शन कुमार डीजी डीआरडीओ रिटायर्ड, उनका भी स्वागत करता हूँ मंच के ऊपर अपने राष्ट्रीय शिक्षा दादर मंच जम्मू चैप्टर की तरफ से। उसके बाद श्री पुरुषोत्तम द्विवेदी जी सीनियर आरएसएस फंक्शनरी, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ मंच की तरफ से और अपने जम्मू चैप्टर की तरफ से। इसके बाद हमारे मुख्य मेहमान हैं श्री यूके जलाली जी सीनियर एडवोकेट मेरे दोस्त, उनका भी स्वागत करता हूँ और प्रोफेसर वर्मा जी का भी स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, I have only few things to say as Major General Samaji told me that since I am a biologist, I will give a turn to the biology, because even if you compare atom bombs and you have a very good cavalry or other forces, but the new warfare is the bio warfare. You have seen an invisible virus has brought down the mightiest empires in the world, mightiest powers in the world to their knees. So you have to think not only for the security of a nation, you have not only think towards the army, air force, navy and ballistic missiles and other things, but you have to look towards the new warfare technology, that is the invisible organisms. Although this biological warfare is not a new thing, it has been fought in early days also, plague, the horses were thrown, then anthrax, baseless anthrax was used. लेकिन जब हम अभी देखते हैं उसकी हिस्ट्री को, जब हम देखते हैं इसराइल की तरफ को तरफ, इसराइल की आज भी एजुकेशन सिस्टम में बच्चा तीसरी में, चौथी में, पांचवी में जब होता है तो उसको मोटिवेट किया जाता है कि कैसे लड़ना है अपने एडवर्सरी से, क्योंकि इसराइल छोटा सा है, 80-90 लाख आबादी है और आसपास घिरा हुआ है सभी कंट्री से, इजिप्ट से घिरा है, सीरिया है, जॉर्डन है, सब इसके पीछे इसको मारने के चक्कर में है, और अपने बच्चों को मोटिवेट करता है हाइफा का नाम लेके, कहता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदुस्तानी जब वहाँ शूरवीर आए ऐसी डैशिंग तरीके से वो घोड़ों के पे आवे अपनी बच्चियों के साथ। उस ज़माने में बर्शियाँ तलवारें चलती थी, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जो थी जहाँ तुर्की और उनके पास बहुत बड़ी एम्पायर उस ज़माने में होती थी, ऑटोमन एम्पायर और मिडल ईस्ट कंट्रीज उनके नीचे थी, नॉर्थ अफ्रीका उनके नीचे था, कहते हैं उन्होंने अपने गन लगा रखी थी आर्टिलरी गन, उन गन केवल बच्चों से हमला करके, और जिन लोगों ने वो देखा उन्होंने कहा ऐसे बहादुर जहाँवाज आदमी, ऐसे साहसी, ऐसे निडर शायद ही हिस्ट्री में होते। पाकिस्तान इज द बेस्ट आई विल टेल यू व्हाई एज एन डेट In Pakistan, there are more than 1 lakh madrasas. 239 is terrorist and religious and extremist organizations in Pakistan. Out of that, 160 number is in Lahore. So they all contribute in there. Unfortunately, when we look into the Pakistani society, forgetting cities, when we talk about in villages, what we find? In villages, they are very poor. They are away from what is happening worldwide. They follow pseudo-federalism is still going on there, and they are very poor. They have two options for their children. Either they put it into school or no education.
and this is being supported by these all radicalized people and the clerics and other things by offering them free food, lodging, boarding, and changing, appetizing their mindset. The younger people who should go toward the education are moved toward this other thing. Exactly, मैं चार पांच किताबें लिखी. तो ये जो खिलाफत मूवमेंट आई या 100-150 साल पहले ऑटोमन एम्पायर, इनके पीछे एक बहुत बड़ा लिटरेचर लिखा है. 100 साल का लिटरेचर लिखने के बाद जब लोगों में अवेयरनेस हुई, मदरसों में बताया गया, हमारे यहाँ एक नर्सरी मिस है. नर्सरी जो है ना, वो यूथ की, हम जैसे जिस एज में हम हैं, हमारा काम है सिर्फ अब बताना. ये सारा जो है यूथ का काम है, अवेयरनेस. और अवेयरनेस सबसे पहला जो कदम है वो अपनी हिस्ट्री से अवगत कराने का, जो टोटली डिसऑर्डर हो चुकी है. जो सेंस ऑफ प्राइड एक इंडियन में थी, वी लॉस्ट दैट कई पिछले सालों से. एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन लिया गया जिसमें इंडियन हिस्ट्री को और योद्धाओं को बैड लाइट में प्रेजेंट किया गया. सो अनलेस द पास्ट ऑफ एनी कंट्री यू आर नॉट मेड अवेयर ऑफ, यू कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ प्राइड. वो सेंस ऑफ प्राइड तभी आएगा, जैसे इन्होंने सुधर सिंह ने बताया कि जनरल जोरावर सिंह यहाँ के होते हुए उन्हें बहुत काम दिखा गया. डॉक्टर ऐसे चाणक थे, उन्होंने बहुत वर्क किया था. माय वाइफ वाज डूइंग डॉक्टरेट इन हिस्ट्री. वो बेचारे उन्होंने इस पे किया, काफी काम किया. उनकी बेटी भी है, रेखा पास में लगी हुई है, तो अमिता ग्लोरिया. मैं चला गया बिकॉज मैं बड़ा इंटरेस्ट था जनरल जोरावर सिंह की जो शिवलरस पास्ट है. तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो नहीं है. मैंने कहा योर फादर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच एंड यू बीइंग योरसेल्फ अ हिस्टोरियन और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के. जय हिंद. जय शर्मा. डॉक्टर सुदर्शन पुरुषोत्तम जी एंड ऑल अदर एस्टीम्ड गेस्ट्स प्रेजेंट हियर. फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक जनरल शर्मा एंड फैंस जे एंड के फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड अटेंड दिस इंटरेक्टिव सेशन. नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन एंड सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ एंड ऑर्डर. इट इनकंपासेस truly so many things, and hence it is a very important forum which is tackling these issues at the, I would say, grassroots level, at the mid level, and taking it up to the government level directly or indirectly. So I must compliment the fans JNK, because this is the third time I am attending one of the functions, and I find it to be very very vibrant and dynamic. Second, today is really an honor for me to be present here to talk of the Haifa victory. Today is the Haifa victory day, and I salute those martyrs who had laid down their life, and the name of the Indian soldier which got imprinted not only in Israel but also in the entire British Empire and all over the world, and the Mysore Lancers. In that, the brigade commander also, after the first little setback, thought it is not wise to attack that. Let me call it off to say that we will not capture this. We will try to actually take an outflanking thing, do something like that. It may take more time. The time was running out. It is this time that the Jodhpur cavalry under Major Dhampat Singh Shekhawat
the person, by the way, you know, he had communicated that he also got afraid, and his other soldiers were also so much afraid that they didn't want to go. So in the night, one night prior, he had a dream. Devi, it is written in the book. I will now tell you it.